जय माता दी। हे गाइस, मैं आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको ब्लॉकबाउंड के TS100 को कंपेयर करने वाला है फिट के T60S के साथ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इन दोनों के साउंड कंपैरिजन के लिए, तो फाइनली मैंने TS100 को खरीदा और आज कंपेयर कर रहा हूँ। तो चले कुछ गाने बजाते हैं और देखते हैं इन दोनों में कौन बढ़िया है, किसकी साउंड क्लैरिटी बढ़िया है, किसमें बेस बढ़िया और क्या 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 क्या। जैसा कि आप लोग इन दोनों के साउंड सुन रहे हो, सबसे पहले बात करें लाउडनेस की, तो लाउडनेस आप सुन सकते हो कि T60S की जो लाउडनेस है वो काफी बेहतर है ब्लॉकबाउंड से। ब्लॉकबाउंड के अगर फुल वॉल्यूम पे भी बजाए और T60S को करीब 15 या 20 तक बजाए तो साउंड जो आएगी वो दोनों सिस्टम की सेम हो जाएगी। यानी कि जो ब्लॉकबाउंड है वो इतना ज्यादा लाउड नहीं है बट T60S काफी ज्यादा लाउड है। T60X को आप पार्टी वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपको वायरलेस माइक मिल जाती है और जो साउंड की लाउडनेस है वो ज्यादा है जिसकी वजह से आपको पार्टी में भी मजा आएगा। बट ब्लॉकबाउंड को आप आउटडोर यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि इसकी जो लाउडनेस है उतनी ज्यादा नहीं है। ये एक रूम के लिए ठीक है, अगर 300 स्क्वायर फीट तक का रूम है तो उसमें आपको साउंड ठीक ठाक आएगा, लाउडनेस अच्छी आएगी, बट आउटडोर म्यूजिक के लिए ये उतना बढ़िया नहीं है। बेस इफेक्ट की, तो बेस इफेक्ट दोनों ही टावर स्पीकर से काफी बेहतर है, दोनों में ही काफी पंची बेस है, दोनों में ही काफी हर्ट थम्पिंग बेस है, बट T60X थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है। इसकी जो लाउडनेस है और जो बेस का इफेक्ट है वो दोनों ही काफी कमाल के मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो साउंड आती है बेस से वो भी काफी अच्छी लगती है, दूर तक जाती है और शेक कर सकती है आपके बेट को। वही TS100 में क्या है, TS100 की बेस अच्छी है बट लाउडनेस उतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जो साउंड आती है वो उतनी हेवी नहीं आती है। तो दोनों ही टावर स्पीकर्स काफी बढ़िया है। अगर आपको नॉर्मल बेस चाहिए, ज्यादा हेवी बेस नहीं चाहिए तो TS100 को भी चूज कर सकते हो, बट आपको अगर हेवी बेस चाहिए और आप ज्यादा लाउड म्यूजिक सुनते हो, ज्यादा हेवी बेस के साथ सुनना चाहते हो तो T60X लेना ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इन दोनों सिस्टम को अपने ऑडियो स्प्लिटर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। इसकी जो वॉल्यूम वो हाफ पे है यानी कि 15 पे है, फुल वॉल्यूम 30 है, इसकी फुल वॉल्यूम 32 है और ये अभी 16 पे है। और यहाँ पे जो ट्रेबल है दोनों ही सिस्टम की वो है 0 पे और बेस जो है वो फुल है। चलिए दोनों के साउंड को फुल करते हैं। बात रही क्लैरिटी की, तो क्लैरिटी आप सोच रहे हो कि मैं बोलूंगा T60X की जो क्लैरिटी वो ज्यादा बेहतर है, बट फैक्ट ये है कि जो साउंड आ रही है ब्लॉकबाउंड के TS100 से वो बेहतर आती है, उसकी क्लैरिटी बेहतर मिल रही है आपको T60X से। यानी कि जो भी आप सॉन्ग्स बजाते हो दोनों ही टावर स्पीकर्स में तो जो साउंड आती है ब्लॉकबाउंड से वो काफी बेहतर लगती है T60X से। तो मैं एक लाइन बजाता हूं, आप सुनिए, दोनों ही टावर स्पीकर्स में बजाऊंगा, पहले T60X में बजाते हैं। पल एक पल में ही थम सा
TCX से जो पल की जो आवाज आई ना, जो वोकल्स आए, जो साउंड आई, वो कानों में लग रही थी, वो इस तरह से बस फ्लैट थी, बस ऐसा लग रहा कि साउंड बस निकल रहा है टावर स्पीकर से। और वही गाने जब मैंने ब्लॉक पंप में बजाए तो वो जो साउंड आई, जो पल वर्ड आया, वो इतनी स्मूथनेस के साथ आई, इतनी स्वीटनेस थी उस आवाज में। कि मैं क्या बोलूं आपको, अगर आप स्लो गाने कुछ भी सुनते हो या कोई किसी भी तरह के गाने सुनते हो तो जो वोकल्स आते हैं वो काफी बढ़िया आते हैं, एकदम अच्छी लगती है, मिठास के साथ आती है। जो कि T60X में थोड़ी सी हार्श टाइप की है, वो आवाज थोड़े से जोर आते हैं, बस इतना ही है, उसमें किसी भी तरह की स्मूथनेस नहीं रहती है साउंड में। तो ये डिफरेंसेस है दोनों ही टावर स्पीकर में। क्लैरिटी के मामले में ब्लॉक पंप बेटर है T60X से। लाउडनेस कम है, मैं भी थोड़ा सा बेस कम है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेहतर प्रोडक्ट है T60X के मुकाबले। बट T60X में आपको माइक का सपोर्ट मिल जाता है, ब्लॉक पंप को माइक का सपोर्ट नहीं मिलता है। ब्लॉक पंप को डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, HDMI R का सपोर्ट मिलता है, कोएक्सियल का इनपुट मिलता है, बट FM नहीं मिलती है, जो कि T60X में FM मिल जाती है, साथ में ऑप्टिकल इनपुट तो दोनों ही में है, USB है, सब कुछ है। अगर आपका रूम बहुत बड़ा नहीं है और आपको लाउड म्यूजिक पसंद नहीं है बट आपको क्लैरिटी बढ़िया चाहिए तो आप ब्लॉक पंप भी चूज कर सकते हैं। बट अगर आपको हेवी बेस चाहिए, ज्यादा लाउडनेस चाहिए, पार्टी करनी है, माइक चाहिए, इस तरह के अगर इफेक्ट चाहिए आपको तो आप T60X लीजिए, वो ज्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी बोल सकते हो उसको। तो ये थी साउंड कंपैरिजन FM के T60X की और ब्लॉक पंप के TS100 की। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे मोटिवेट करने के लिए कम से कम इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कोई भी डाउट अगर है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।